भिवंडी शहर को पावरलूम उद्योग पावरलूम नगरी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में भिवंडी शहर में डेंगू के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के कल्याण रोड आरबीबी, जहां पर रुंगटा डाइंग नामक एक कंपनी से निकलने वाली धूल मट्टी लोगों के घरों में जाती है, जहां पर वहां के स्थानिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि जब इस चिमनी का उजागर यानी कि जलाया जाता है, चिमनी में से कोयले की राख लोगों के खान पीन के पदार्थ में जाती है, उनके स्वास्थ्य के साथ में कहीं ना कहीं रुंगटा डाइंग खिलवाड़ करते हुए नजर आती है। वही हम आपको दृश्य दर्शा रहे, आप देख सकते हैं ये कोई पानी नहीं है, ये एक केमिकल का पदार्थ है, ऑयल, जो कि रुंगटा डाइंग के द्वारा रात में 12-12:30 बजे के दरमियान रोड पर खुला छोड़ दिया जाता है, जहां पे वहां के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिलता है रोजाना की इस तरह के करतूत को जो रुंगटा डाइंग करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि केमिकल का पदार्थ रात के 12 बजे के दरमियान हमारे चैनल के संवाददाता वहां पर शूटिंग करने पहुंचे, इस केमिकल के कारण लोगों को पैर में गाड़ियां स्लिप खाती है, लोगों का एक्सीडेंट होता है, लेकिन फिर भी रुंगटा डाइंग के आला अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर चू तक नहीं रेंगता। एक सवाल सा बना हुआ है कि पर्यावरण विभाग और शासन प्रशासन इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब हमारे चैनल के संवाददाता ने स्थानीय समाज सेवक जिन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी पूर्व के युवा अध्यक्ष के रूप में भिवंडी शहर में माना जाता और जाना जाता है, हरुण खान से मुलाकात की, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि यह डाइंग का मनमानी इस तरह रोजाना देखने को मिलता है, कभी चिमनी से निकलता हुआ धूल लोगों के घरों में जाना और केमिकल का पदार्थ इसी तरह रोड पर छोड़ना और डाइंग के अंदर से जो कलर किए हुए कपड़ों का गंदा पानी रोड पर छोड़ दिया जाता है, उस केमिकल के गंदे पानी से स्वास्थ्य में भी हानिकारक पैदा होती है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल के संवाददाता ने हरुण खान से बात की। वहीं पर एक बड़ी बात ये भी मालूम पड़ा कि वहां पर एक 10 फीट का रोड है, उस 10 फीट के रोड के ऊपर एक ब्लोअर पाइप गया है, यानी कि रोड के ठीक ऊपर से उस पाइप का निर्माण किया गया है, उस पाइप के गिरने से कभी भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल के संवाददाता ने आप वहां का शूटिंग किया, यानी कि दृश्य दर्शाने का कार्य करने का हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब हमारे चैनल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी पूर्व के युवा अध्यक्ष अरुण खान जुड़े तो उन्होंने काफी कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उनके ऊपर कई लोग ने अर्जी डाला भी है, अर्जी डालने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और ये जो ऑयल डेली का डेली पा जाता है, सुबह स्कूली बच्चे जाने में हैरानी होती है, यहाँ की सब पूरी पब्लिक हैरान है रुंगटा डाइंग से, और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कंप्लेंट करने के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है ये रुंगटा डाइंग से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।